मथुरा में अपराधियों को हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला है बीती रात का। यहाँ पत्रकार मीरा शर्मा अपने पति के साथ कवरेज कर रात अपने घर वापस लौट रही थी, तभी थाना हाईवे क्षेत्र स्थित आने वाले गोवर्धन रोड के समीप रतनलाल स्कूल के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और उनके गले से मंगलसूत्र तोड़कर लुटेरे ले गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल पत्रकार को इलाज के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की जानकारी लगते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी जिला अस्पताल पहुंच गए और घायल पत्रकार का हालचाल जाना और घटना के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त की। जब इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जानकारी ली तो उनका कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्दी आरोपी सलाखों के पीछे। जो महिला पत्रकार के साथ जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक दंपति जो थे वो एक्टिवा के माध्यम से अपने घर जा रहे थे, वापस एक हॉस्पिटल पे गए थे, वो बच्चों की दवाइयाँ लेने वापस जा रहे थे। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत रतनलाल फुलकटोरी स्कूल के पास बाइक पे दो सवार युवकों के द्वारा उनका चेन छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें उनके द्वारा चेन तोड़ ली गई। उसी चेन तोड़ने की वजह से वो महिला स्कूटी से गिर गई, उनको भी चोट आई है और दो लड़के हैं ये बाइक पे जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। हमारी इसमें पांच अलग अलग टीमें वर्तमान में काम कर रही हैं, जिसमें एसओजी सरलान स्वाट की टीम्स हैं, थाने की टीम है और उसके अलावा जो विभिन्न टीम्स हैं वो लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो पीड़ित हैं, जो चोटिल हुई हैं महिला, वो और उनके पति दोनों से मेरे द्वारा वार्ता करी गई है। कुछ चीज़ें उनके हमारे से साथ शेयर करी गई हैं जिनके माध्यम से हम इन अभियुक्तों का जल्द से जल्द पता लगा के उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि भविष्य के जो अपराधी हैं उनको ये सबक मिल सके कि इस प्रकार की घटना का क्या अंजाम होता है।